विराट के बखेरी समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करित हैं। शुरुआत करित हैं रीवा जिला से। रीवा में भाई के मौत पर आरोपी का सजा दिवावे के मांग का लेके परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा। बताई दे कि अब मामला सगरा थाना क्षेत्र के आए। अपना पंचन का बता दे कि सुमित कुमार द्विवेदी अपने भाई के मौत पर आरोपी का सजा ना मिले की शिकायत का लेके एसपी ऑफिस पहुंचे और बताएं कि कुछ दिन पहले उनके भाई मनीष द्विवेदी के चार दोस्त बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कटकी घाट लेके गए और घर वालिन के आरोप है कि चारों मिल के शराब पियाए के बाद नदी में धक्का दे दी थी। मृतक के भाई के कहना है कि एक महीना पहले उनके भाई और चारों आरोपी के बीच झगड़ा भरा रहा, जिसके बाद चारों लड़का के घर पहुंचे और भाई का गाड़ी में बैठा के घाट में ले गए, जहां शराब पियाए के बाद भाई का नदी में धक्का दे दी। मृतक लड़का के परिवार के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और जहां रीवा एसपी के द्वारा कार्यवाही के आश्वासन दीन गा है। क्या नाम है भैया आपका? सुमित कुमार द्विवेदी। कहां से आए हैं? सथनी से। थाना क्षेत्र? थाना सगरा। क्या मामला है आपका? ये भाई को हमारे चार आदमी ले गए बैठा के, वहां दारू वारू पिलाए और नदी में ढकेल के मार दिए। कौन आदमी है, कहाँ के हैं, वो नाम बताएं उनका। परबाद परिवार के ही हैं हमारे, लल्लू द्विवेदी हैं, रजन द्विवेदी, डॉक्टर और राहुल। उनकी दोस्ती थी आपस में क्या? पहले दोस्ती थी और एक दो महीने लड़ाई भी हुआ था। एक महीने पहले वो मोबाइल वोबाइल छीने थे तो छीना छपटी और लपटी लपटा बीच में हुआ था। जी, तो आपको शंका है या कोई गवाह भी है? शंका है आपको? आपने थाने में शिकायत की है? हाँ, बैकुंठपुर थाने में की। 20 दिन हो गया, कोई मामला नहीं निकला, ना कोई कार्यवाही की। तो बैकुंठपुर थाना का मामला है, सगरा का मामला है? हमारा सगरा लगता है, कटकी घाट का बैकुंठपुर लगता है। अच्छा, जो जहाँ घटना हुई है वो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र लगता है। तो आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं? जी। तो आप शिकायत किए हैं यहाँ? जी। क्या कहा साहब ने? साहब ने अभी कुछ नहीं कहा। मिले साहब आपसे? हाँ, मिले, अंदर भी कुछ बोले, कार्यवाही करता हूँ। हाँ, बस। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थायी वारंटियन के धरपकड़ कर लई के अभियान चलावा जात लाग है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा शुक्रवार के दिन सवेरे से ताबड़तोड़ कार्यवाही कीन गए, जेमा 6 स्थायी वारंटी और 30 गिरफ्तारी वारंटी के करीब गिरफ्तारी कीन गए। बताई दें कि सगले लोगन के खिलाफ कार्यवाही करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीन गा है। बताई दें कि स्थायी वारंट और 30 गिरफ्तारी वारंट के आरोपी का गिरफ्तार कर दीन गा है। आइए अपना पंचे देखी कोतवाली पुलिस के कार्यवाही की कुछ झलकी। आज कौमी गश्त का अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया गया था, जिसमें कि सुबह 5 बजे से लगातार स्थायी वारंट, गिरफ्तारी वारंट, फरारी वारंट और 299 के जो अपराधी जिनके ऊपर चालान पेश किए गए हैं, इनके गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके रवाना किया गया था कोतवाली से, जिसमें कि 3 टीम बनाई गई थी। एक टीम में उप निरीक्षक सौरभ सोनी, एक टीम में आर्मी प्रजापति और एक टीम में सब इंस्पेक्टर रावत, और उसके अलावा जो बीट के कर्मचारी हैं उनको अलग से रवाना किया गया था। तो इस अभियान के दौरान कोतवाली पुलिस के द्वारा 6 स्थायी वारंट और 30 गिरफ्तारी वारंट, जो कि काफ़ी बड़ी अच्छी संख्या है, इनको गिरफ्तार किया गया है और अभी न्यायालय को भेजा जा रहा है। सब अलग अलग थाना क्षेत्र से? नहीं, सारे अपने कोतवाली क्षेत्र के हैं, कुछ है बिछिया के हैं, जिनमें से 2 वारंट जो है वो बिछिया पुलिस के द्वारा पकड़ के मुझे दिए गए हैं और बाकी 34 वारंटों को कोतवाली पुलिस ने, कोतवाली क्षेत्र के भी हैं और सिविल लाइन एरिया के हैं या किचुराटा तरफ के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। रीवा सिविल लाइन पुलिस का बड़ी सफलता मिली ही। अपना पंचन का बताई दी कि नकली नोट के साथ सिविल लाइन पुलिस एक आरोपी का पकड़ी सी, जिसे बड़े नेटवर्क के खुलासा हो सका था। बताई दी कि रीवा एसपी नवनीत भसीन और एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में सिविल लाइन पुलिस मुखबिर के सूचना पर आरोपी मोहित मिश्रा, पिता राजीव मिश्रा, उम्र 26 साल, महामृत्युंजय नगर बोदा बाग का पकड़ा गया है।
बताई दे कि पुलिस के द्वारा पुरान बस स्टैंड में 500 रुपया के 74 नकली नोट के साथ आरोपी का गिरफ्तार कीन गया है। वहीं रीवा एसपी नवनीत भसीन बताएं कि आरोपी से पूछताछ कीन जात लागी कि नोट आरोपी कहां से लेके आवा है और उनके साथ और कितने आरोपी हैं। एक व्यक्ति से जानकारी मिली थी हमको, गोपनीय रूप से उसने बताया कि एक व्यक्ति मोहित मिश्रा नाम के हैं, उनके पास नकली नोट की जानकारी उनको है। तो हम लोगों ने इसका होमवर्क करके टीम लगाई, सिविल लाइन पुलिस ने अपना एफर्ट्स किया और आरोपी को राउंडअप किया, तो उससे 37,000 हमको राशि के नोट मिले हैं। प्रत्येक नोट 500 का है और 74 को नोट है। अभी हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए हैं और उनका विश्लेषण साइबर सेल की टीम कर रही है। साथ ही इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि इसका सोर्स क्या है, इनको ये नोट कहाँ से मिले और नकली नोट का पूरा चेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके लिए हमने डेडिकेटेड अपनी टीम लगा दी है, इसको पूरा साइबर सेल के माध्यम से भी हेल्प की जा रही है। तो जो भी डेवलपमेंट कल तक हमारे पास होगा हम उसको आप तक शेयर करेंगे। सर अभी तक कितने लोग इस पे पकड़ाएंगे और कितने लोग चिन्हित किए गए? अभी तो एक ही व्यक्ति हमारे पास है, अगर उनके कोई सहयोगी इस चेन में आते हैं तो उनको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे और अन्य कोई मात्रा मिलती है इस प्रकार के कंसाइनमेंट की तो उसको भी हम लोग जब्त करेंगे। तो विवेचना का विषय रहेगा, आगे उसको शामिल किया जाएगा। अभी तो प्राथमिक पूछताछ शुरू हुई है तो उसमें तो उनके मोबाइल के माध्यम से उन्होंने कहीं पर ऑर्डर करना बताया है, जिसको कि पहले क्रॉस चेक कर लें हम लोग साइबर सेल के माध्यम से। एक बार क्रॉस चेक होने के बाद फिर अगले चरण पर हम लोग आएंगे। रीवा जिला के मनगवा थाना क्षेत्र के रघुनाथगंज में चल रहा सट्टा का बंद करावे का लेके जनपद अध्यक्ष गगेव विकास तिवारी के नेतृत्व में DIG का ज्ञापन सौंपा गया है। DIG का ज्ञापन दे के जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी मीडिया का बताएं कि सुशील त्रिपाठी पिता लालमणि त्रिपाठी जौन रघुनाथगंज में रहते हैं और सट्टा के कारोबार कर रहा है, जेकर शिकायत कैयक बे थाना में करे के बावजूद आज तक कोनो कार्यवाही नहीं भय, जेके कारण ज्ञापन दीन का है। चल आज हम सभी जनप्रतिनिधि मिले हैं। चल हमारे मनगवा क्षेत्र में एक रघुनाथगंज एरिया है जहाँ पे सट्टे का व्यापार काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा है। उस संबंध में माननीय उप महानिरीक्षक से हम सब ने चर्चा की है कि इसमें निरंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्षेत्र के लोगों में अपराध बढ़ रहा है और लूटपाट बढ़ रही है, इसी संबंध में हमारी चर्चा हुई है। और कौन सी समस्याएं? अभी तो फिलहाल अपन ने पुलिस को ये समझा और पुलिस की जैसे कई गाँवों में चोरी मोटर चोरी हो रहे हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। एक कदैला गाँव है वहाँ 24 मोटर एक दिन में चोरी हो गए, ये सब विषयों को लेकर चर्चा हुई। बैकुंठपुर थाना के अंतर्गत गांव आता है, ये सारे मुद्दों को लेकर हमने सब ने चर्चा की। कौन खिलवा रहा सट्टा? सुशील त्रिपाठी, कोई सुशील त्रिपाठी हैं और कई अपराधी तत्व के लोग खिलवा रहे हैं। नहीं, थाने में पहले सूचना दी गई थी पर हम वरिष्ठ अधिकारियों से मिले हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को थाने में निर्देशित करना है, कोई रिपोर्ट करने का तो विषय है नहीं, ये तो नियमता कार्रवाई की बात है तो उसमें पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करे। विकास तिवारी है, अध्यक्ष जनपद पंचायत गगेव। खबर रीवा जिला से है जहां नए साल के मौका में जिला के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के बहुती और देवलहा जलप्रपात में भारी संख्या में पर्यटन के आवय के उम्मीद ही, जेके मद्देनजर SDM मऊगंज AP द्विवेदी और SDOP नवीन दुबे के द्वारा दोनों पर्यटक स्थलन के जायजा लिंगा है। बताई दी कि कोनो प्रकार के घटना दुर्घटना से बचे खातिर प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कड़े निर्णय लीन जाई ही। आई सुनित हैं थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर का जानकारी दिए थे। जी हाँ, एक नया वर्ष आपके जो है वर्ष के अंतर्गत जो भी व्यवस्था है हमारे यहाँ, चूँकि देवलहा जलप्रपात और बहुती जलप्रपात में जो है लोग बहुत अधिक मात्रा में घूमने आते हैं और उन्हीं के व्यवस्था के लिए हम लोगों ने एक टेंट की व्यवस्था जो है दोनों जगह रखी हुई है और दोनों जगह पुलिस फोर्स लगभग तैनात की जाएगी और सर्चिंग अभियान चलेगा। सभी से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि सभी लोग जाएँ, घूमने फिरने जाएँ, इंजॉय करें, लेकिन नशे की हालत में जो है इंजॉय न करें जिससे आसपास के पड़ोसियों को स्वयं को जो है नुकसान उठाना पड़े। और मेरी सभी नईगढ़ी वासियों से नम्र निवेदन रहेगा कि नशे की हालत में ना तो घूमें ना घूमने दें किसी को और सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आज खातिर इतने, बघेरी में विंध्य के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।